हाँ हरीश जी, एक कप गरम कॉफी प्लीज। थैंक यू। यस सर। आरती, तुम्हें सिर्फ एचआर पॉलिसी रिवाइज करने को कहा था, ये अप्रेजल फॉर्मेट क्यों चेंज किया? सर, अगर हम एचआर पॉलिसीज रिवाइज कर रहे हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह अप्रेज करते हैं वो भी तो चेंज करना होगा। आई मीन वी हैव टू मूव विद द टाइम्स ना। नहीं यार, द मैनेजमेंट वोंट बी कंफर्टेबल विद दिस। इसको चेंज करके वापस भेजो अभी। सर अभी सर मैं तो टुडे लीव के लिए निकल रही थी। मंडे को आकर करती हूँ। लुक आरती, द एनडी रियली वॉन्ट्स टू सी दिस टुडे। नीड आई से मोर? अवीरा। हाँ बस बस निकल रहे हैं। सुनो मेहर, इस वक्त मत निकलो। 2:30 तक आ जाना, लंच कर लेना। अरे इसका क्या मतलब है यार? पहले तुमने कहा कि अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, फिर कहा नून, और अब कह रही हो 2:30। अरे जयपुर जाना है कि नहीं? क्या करें यार, इस ऑफिस में कोई काम ढंग से होता है क्या? सॉरी यार। ओके जस्ट बट आरती, पैनकेक्स, मम्मा फिर से फंस गई क्या? चॉकलेट टॉपिंग्स या फिर हनी? चॉकलेट। मम्मा वो पता चल गया ना तो हम दोनों को घर के बाहर खड़ा कर देंगे हैंड्स अप करके। आरती, अरे कनिका सुनना, आई हैव सेंट द फाइनल ड्राफ्ट, नाउ इट जस्ट नीड्स योर इनपुट्स। आरती वो सब होता रहेगा। Have you taken the final call for our business venture? Time ही कहाँ मिल रहा है यार। आरती, I'm a big fan of your work and I really want to do this with you. But now I think that you're having some second thoughts about this. नहीं यार, कैसी बातें कर रही है? मैं तब भी 100% sure थी, आज भी हूँ। इस business को start करने का idea हम दोनों का था। वरना इस office में तो क्यों? Office में क्या हुआ? You know how it is. एक तरफ तो everyone wants these great ideas, और जब implement करने की बारी आई तो everyone has a problem. अगर कुछ innovative, कुछ strong decision लेना हो, then you just have to have your own setup. हाँ तो चल ना, फिर इतना सोच क्या रही है? यार सोचना तो पड़ता है ना। 50-60 लाख रुपए, मेरी और मिहिर की तो इतनी सेविंग्स भी नहीं है। यार कनिका, थोड़ा कम में स्टार्ट नहीं हो सकता? आरती, यू नो दिस बेटर देन मी। इट्स रियली टफ फॉर मी। पर तेरे तो इन लॉज पैसे लगा रहे हैं ना। अरे यार पूछ मत, वही तो प्रॉब्लम है। मतलब पैसे तो लगा रहे हैं बट नॉट विदाउट अ क्लॉज। हमारे बहनोई साहब को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो घर वाले कह रहे हैं इस वीकेंड तक जवाब दो वरना वो सारा पैसा उठा के उन्हें दे देंगे। अरे ये क्या बात हुई? तू छोड़ना उनकी बात, तू अपना बता। यार उनको थोड़ा होल्ड करना, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। आरती, माय इन-लॉज आर रियली एडमेंट एंड आई हैव टू गिव एन आंसर बाय दिस वीकेंड। दिस वीकेंड? यार इस वीकेंड को तो मैं जयपुर जा रही हूँ अपने इन-लॉज के वहां। आरती लिसन, आई नो इट्स टफ बट यू हैव टू टेक द कॉल। एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, either it's now or never. So please, Delhi ho ya Jaipur, I need an answer by this weekend, please. Are Kanika yaar, thank you.
आ रही हूँ यार, एक मिनट। हेलो, और मम्मा है ना तो नीचे रख लेना, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी, क्या समझी? और अकेले हाथी वाला सोचते रहना। लो मम्मा आ गई। यार कितना वेट कराती हो यार तुम। और क्या करती, ये सब तुम्हारी चाची के लिए। मुझे ऑफिस सूट में देख लेती ना तो हार्ट अटैक आ जाता उनको। कितना चॉकलेट खिलाओगे इसको? वेरी गुड। आज फिर वो प्रॉपर्टी डीलर पांडे आया था किसी कस्टमर को लेके हमारा फ्लैट दिखाने। क्यों? मैंने मना किया था ना, एक ही तो एसेट बना पाए हम इतने सालों में, हमारा फ्लैट। आई रियली डोंट वांट टू सेल इट मी हियर। हमारा बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ा तो पैसा चाहिए ना, एंड थोड़े से पैसों के लिए आई रियली डोंट फील यू शुड लाइक किल योर ड्रीम्स। पर मकान बेच के मैं सारा पैसा बिजनेस में लगा दूं और उसके बाद इफ समथिंग गोज रॉन्ग व्हाट आर वी गोइंग टू डू देन? बाबा नथिंग वुड गो रॉन्ग, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी और द बिजनेस, यू नो, काफी सारी चीजें हैं। लाइक आई कीप वंडरिंग हाउ आर क्लाइंट्स गोइंग टू टेक सॉल्यूशंस फ्रॉम अ प्योरली वुमेन लेड फर्म, और हमारी फैमिली इस बारे में क्या सोचेगी? मैं वैसे ही अवीरा को ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊ, इसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं दे पाऊंगी। ये सब सोच के लगता है कि एक स्टेडी जॉब जहां से मुझे एक डिसेंट सैलरी मिल रही है उसे छोड़कर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर दूं। इज दैट अ वाइज डिसीजन? तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन एक नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए थोड़ा तो रिस्क उठाना पड़ेगा ना। और तुम मेरी और अवीरा की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, यू जस्ट फॉलो योर पैशन, योर ड्रीम्स। वही तो करना चाह रही हूँ, पर 50-60 लाख रुपए एक साथ मिहिर कैसे मैनेज करेंगे हम? अरे साल दो साल की बात है बेबी, आई एम श्योर यू विल गेट सेटल्ड अगेन। आई डोंट नो, आई नीड टाइम टू थिंक। श्योर, दिल्ली टू जयपुर एंड बैक, you have the entire weekend to yourself, aram se soch lo। ab tum kanika ki tarah baat karo। kanika hum pahunch gaye kya? abhi beta, abhi nahi। बेटा हम जयपुर आपके पापा के चाचा जी के वहाँ जा रहे हैं। आपके पापा वहीं पैदा हुए थे, फिर आपके दादाजी के गुजर जाने के बाद हम वहाँ गए ही नहीं। अब आपके पापा के कजिन की शादी है तो हमें इनवाइट किया है। ये लोग थोड़े अलग हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट, तो वहां पहुंचते ही चॉकलेट आइसक्रीम मत मांगने लग जाना। हाँ अरे रुकिए, ये बड़ी की बीवी मीना है, तेरे पिताजी के जाने के 3-4 महीने बाद ही इनकी शादी करा दी, तू तो उसके बाद आया नहीं। अब ठहर जा, तेरी चाची आ रही है। दिल्ली में दुपट्टा नहीं मिलता क्या? मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आइए। तुम्हारी चाची भी ना बस। अरे यार तुम भी ना, देख तो रही हो ना कि घर में शादी ब्याह का माहौल है,
प्रिया नो आइडिया की कितनी टेंशन में होंगी बेचारी। बेचारी चाची, पुराने ख्यालातों की गढ़ है तुम्हारी चाची। उनका बस चले ना तो सारी औरतों को अपनी बहू की तरह 2 फुट लंबी घूंघट पहना दे। मलाई ज्यादा दिया करो, ऐसे क्या कंजूसी से डालते हो? हमारा बहुत बढ़िया है। मेहमान आए हुए हैं घर पे ना, तो कल 2 लीटर दे के जाना। मैंने आपको बताया कि आरती का ऑफिस रहता है, बिजी हो जाता है दिन उतना बिजी होते हैं, अपने काम में वक्त निकालना पड़ता है। चाचा दीदी चाय। थैंक यू। ये घूंघट तुम अपनी मर्जी से करते हो या अपने सास के कहने पर? हम जानते हैं दीदी आप क्या कहना चाहती हैं। ख्याल थोड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बुरे नहीं हैं। अब जो दिखेगा वही तो समझेंगे ना। पता नहीं कल तक कैसे टाइम कटेगा यहाँ। वैसे दीदी आप मेरे साथ चल सकती हैं, बस यही मेरा कुछ काम है थोड़ी देर का, तो आप भी साथ चलिए ना, आपका दिल भी बहल जाएगा। क्यों, घूंघट और लंबी करवानी है क्या? दीदी आप भी चलिए ना। चलो चाय तो पी लीजिए। पी रही हूँ, चलो। क्या बात है दीदी, मैंने नोटिस किया कुछ सोच रही थी आप। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कह सकती हैं। कंफ्यूजन तो है, हम औरतों को कितना कुछ सोच के चलना पड़ता है। क्या बात है दीदी, कुछ डिसीशंस बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है, जाने दो तुम नहीं समझोगी। हो सकता है हम नहीं समझेंगे दीदी, पर इतना मैं जरूर जानती हूँ कि ज्यादा सोचने से सोच कमजोर पड़ सकती है। अच्छा चलिए ना दीदी। टेराकोटा का काम तो बहुत ही अच्छा है। टेराकोटा नहीं है दीदी, इसे ब्लू पॉटरी कहते हैं, और ये गांव वाले ये तो इसे बुल पॉटरी कहते हैं। अच्छा तो तुम भी यहाँ काम करती हो? हाँ दीदी, मैं यहाँ काम भी करती हूँ और ये वर्कशॉप चलाती भी हूँ। मतलब दीदी ये वर्कशॉप मेरा ही है, करीब साल भर पहले मैंने स्टार्ट किया था। पर ये सब कैसे? मैं हमेशा से कुछ करना चाहती थी दीदी, पापा ने शादी की जिद पकड़ ली, शादी के बाद भी यहाँ पे कई दिक्कतें आई, लेकिन मैं डटी रही। जहाँ से मैं हूँ ना दीदी, वहाँ पे ये सब काम होता है, तो इसकी टेक्निक मुझे पहले से ही पता थी। और ये सब लोग यहीं आसपास की जगहों से आते हैं, ये काम इन्हें मैंने ही सिखाया है। जब हमने शुरू किया था ना, बस 5-6 लोग थे, और अब देखो बढ़ते बढ़ते 25-30 लोग हो गए हैं। पर ये बिजनेस तुम चलाती कैसे हो, ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? बिजनेस चलाना कौन सी बड़ी बात है दीदी, बस थोड़ी मेहनत और लगन चाहिए। पहले ना मैं सिर्फ लोकल डीलर से ही सप्लाई करती थी, फिर धीरे धीरे होटल से ऑर्डर आने लग गए। दीदी अब तो हम जापान और अमेरिका में भी सप्लाई करते हैं। कैसे? अरे मैं ये सारे डिजाइन इंटरनेट पे डाल देती हूँ, और फिर वो लोग उन्हीं डिजाइन में से ऑर्डर कर देते हैं, डिलीवरी करते साथ साथ
पैसे सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पर ये सब लोग, इनके सैलरीज, यहाँ के बाकी के खर्चे सब मैनेज हो जाता है दीदी। सैलरी भी देती हूँ और ज्यादा प्रॉफिट होने पर बोनस भी देती हूँ। लेकिन दीदी, ये सब लोग यहाँ पे सिर्फ सैलरी के लिए थोड़ी काम करते हैं। इस काम से इन्हें एक पहचान मिल रही है। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रहे हो? अब तक तो मैं सोच ही रही थी, पर और नहीं, अब और नहीं। क्यों, अब क्या हो गया? तुमसे जो मुलाकात हो गई। मतलब दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। समझना समझाना छोड़ो, घर चलो, सब वेट कर रहे तुम्हारा। हाँ हाँ दीदी, बस वो मिनट। हाँ क्या डिसाइड किया? मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। ओके, सो तुम्हारे लिए आइसक्रीम, पर मम्मा ने क्या डिसाइड किया? गॉड, टायरिंग इट वाज। अरे अभीरा, अभीरा बस वेट। पापा जल्दी आओ ना। मैं आ रहा हूँ, सो वेट वेट करो। आई हैव टू गो आफ्टर। हां प्लीज डू। या गॉड, अभीर लगता है तुम्हारे कश्मकश के जवाब मिल गए हैं तुम्हें। सारे तो नहीं, पर अब लगता है धीरे धीरे मिल जाएंगे। ओके देन, आई विल गो आफ्टर हर। या आई एम जस्ट कम। या या कनिका, या हैप्पी, हाँ।